हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर वाटर। सो सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। आपको सपोज करना है कि क्या होगा अगर आपकी फैमिली को सिर्फ वन बकेट वाटर मिले एवरी डे फॉर अ वीक। इट मीन्स एक वीक के लिए सिर्फ वन बकेट वाटर। इज़ इट सफिशियंट फॉर योर फैमिली, फॉर योर होल फैमिली? सपोज इन योर फैमिली देर आर फोर और फाइव मेम्बर्स, सो वन बकेट वाटर इज़ सफिशियंट फॉर ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द डिफरेंट मेम्बर्स इन योर फैमिली? ऑब्वियसली नो, यू विल से नो। वन बकेट वाटर कैन नॉट फुलफिल ऑल द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर फैमिली। सो इमेजिन वॉट वुड हैपन। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ? नो, यू कैन डू ओनली योर वेरी नेसेसरी थिंग्स विच आर टोटली डिपेंड ऑन वाटर, राइट? सो वॉट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू? आप और क्या क्या नहीं कर पाओगे अगर आपको सफिशियंट अमाउंट में वाटर नहीं मिलता है तो? वॉट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? अगर आपको ऐसे ही लंबे समय के लिए प्रॉपर अमाउंट में वाटर ना मिले तब क्या होगा? तो ये सब क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं? जिससे कि आपको क्या पता चले, वाटर की इम्पॉर्टेंस का पता चले, दैट वाटर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। विदाउट वाटर देर इज़ नो लाइफ। सो हमें क्या करना चाहिए? एडिक्वेट अमाउंट में वाटर यूज़ करना चाहिए, जितने रिक्वायरमेंट हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। एक्सेस अमाउंट में वाटर को यूज़ नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। तो अगर वन बकेट वाटर मिल रहा है हमें डेली, तो वन बकेट तो सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए ही हो जाएगा, राइट? एंड वॉट अबाउट द अदर एक्टिविटीज़ विच आर डन विद द हेल्प ऑफ वाटर? तो बाकी की एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पाएंगे अगर हमें प्रॉपर वाटर नहीं मिलता है। सो डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे? ऑफ कोर्स आपको आइडिया होगा कि आप एक दिन में कितना वाटर यूज़ कर लेते हो, पर्सनल क्लीनलीनेस में, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, राइट? सो हाउ मच वाटर डू वी यूज़, ये एस्टिमेट करने के लिए आपको एक्टिविटी वन परफॉर्म करनी है। इन दिस एक्टिविटी आपको लिस्ट बनानी है ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डेली। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। सो मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक थ्रू आउट द डे। मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। So you may use a mug, a glass, a bucket or any other container to measure the amount of water used. Drinking में आप कितना water use करते हो एक दिन में, ये आपको लिखना है। Brushing, bathing, washing utensils, washing clothes, toilets, cleaning floor, any other. So total water used in a day by a family. एक family कितना water use कर लेती है इन सब activities में। तो यहाँ से हमें एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कितना वाटर हमारी फैमिली यूज़ कर रही है एक दिन में। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनलीनेस इन अ डे? तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो अमाउंट ऑफ वाटर, आपको कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है अपनी फैमिली के लिए एक ईयर में। देन डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उससे आप ये डिवाइड कर दोगे, एंड देन आपको क्या आइडिया मिलेगा? द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। एक ईयर में आपकी फैमिली के एक मेंबर को कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है ये आपको पता चल जाएगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। इसी तरह से आपके विलेज में या टाउन में कितने लोग हैं तो उनका भी अप्रॉक्सीमेटली इतना इतना ही रिक्वायरमेंट होगा वाटर का। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका विलेज या टाउन में जितने भी मेंबर्स हैं वो कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं, ओवरऑल कितना वाटर यूज़ हो रहा है, राइट?
So Pujo wonders whether people living in different regions of our country get the same amount of water. Are there regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? तो हमारी जो कंट्री है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट अमाउंट में वाटर मिलता है, सबको इक्वल अमाउंट में वाटर नहीं मिलता. सपोज़ आप किसी विलेज में रह रहे हो जहाँ पे है प्रॉपर अमाउंट में वाटर है, हम जिस एरिया में आते हैं रुड़की में उत्तराखंड में, वहाँ उतनी स्केयरसिटी नहीं है वाटर की. बट अगर हम बात करें राजस्थान की या फिर मुंबई, जहाँ पे आपको एक बकेट वाटर के लिए लंबी लाइन में लगना होता है, तो उसमें तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी. वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में वाटर मिलता है सबको, राइट? सो यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर. डू यू थिंक आर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज? आपने लिस्ट बना ली है कि उसमें कितना वाटर हमें चाहिए हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए, तो क्या इतना ही वाटर सफिशिएंट होता है? वाटर सिर्फ इन पर्पसेस के लिए ही होता है, इसके अलावा और कहीं पे यूज़ नहीं होता है? नो. जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती है लाइक वीट, राइस, पल्स, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनको ग्रो करने के लिए भी हमें वाटर चाहिए, राइट? मेकिंग फैब्रिक्स, जो फैब्रिक्स बनते हैं वो प्लांट से आते हैं, सो इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो देम? एग्जैक्टली, वाटर उनको ग्रो करने के लिए भी चाहिए. और भी वाटर के बहुत सारे यूजेज होते हैं. वाटर यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़. जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन सब को बनाने के लिए वाटर इंडस्ट्रीज़ में लार्ज अमाउंट में यूज़ होता है. सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स. अब पहेली आपको क्या बता रही है कि एक पेज जो होता है बुक का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में 2 ग्लासेस ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होते हैं. सो नाउ कैन यू इमेजिन दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिंगल बुक? एक बुक बनाने में कितने ग्लासेस ऑफ वाटर यूज़ हो जाएगा? और ऐसे ही कितनी सारी बुक्स होती हैं वो उन सब में कितना वाटर यूज़ होगा? तो वाटर इज़ वेरी प्रेशियस एंड वी शुड सेफली हैंडल इट. सेफली मीन्स सस्टेनेबली. वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? वाटर हमें कहाँ से मिलता है? वेयर डू यू गेट द वाटर फ्रॉम यू यूज़? कहाँ से मिलता है हमें वाटर? रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, हैंडपम्प, इन सब जगह से मिलता है और टैप से मिलता है. हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम? टैप्स में वाटर कहाँ से आता है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल. सो इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स. जो टैप में वाटर आ रहा है वो भी हमें रिवर से या लेक से मिल रहा है, जिसको फिर पाइप्स में सप्लाई किया जाता है. ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आर होम्स इन डिफरेंट वेज, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स से ही तो मिल रहा है हमें, भले ही वेज अलग अलग हो. किसी के घर में हैंडपम्प है, उन्हें हैंडपम्प से मिल रहा है, किसी को टैप से मिल रहा है, किसी को समरसेबल से, किसी को जेट पम्प से, बट सोर्स जो है वाटर का वो सेम है. पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, वेल्स, ये सब सेम है. सो वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल? इन सबको फिल करने के लिए वाटर कहाँ से आता है? सो वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.